योग बनाए निरोग, भागलपुर के गौशाला प्रांगण में मनाया गया विश्व योग दिवस। लोगों से नियमित योग करने की गई अपील। पूरा देश आज योग दिवस मना रहा है। ऐसा माना जाता है कि योग की शुरुआत भारत देश से ही हुई है और उसके बाद इसका प्रचलन पूरे विश्व में फैला है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को बड़ी उत्साह के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया था। हर साल योग दिवस नए नए थीम पर मनाया जाता है ताकि सभी विषयों पर योग के तहत कार्य किया जा सके। इसी बाबत आज भागलपुर जिले के गौशाला प्रांगण में क्रीड़ा भारती भागलपुर बिहार की ओर से विश्व योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर आर्ट ऑफ लिविंग, गौशाला परिवार, कृष्णा कलायन कला केंद्र, आध्यात्मिक संस्थाएं, योग गुरु आदि उपस्थित रहे। समूह की सहायता में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के पदाधिकारियों का परस्पर सहयोग और प्रमुख भागीदारी रही। आज के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, फिर योग ध्यान सत्संग के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। सबों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विकासशील बना सकेंगे। ऊपर की ओर तालना, दृष्टि सामने या हथेलियों पर, श्वास छोड़ते हुए क की स्थिति में आना, श्वास लेना और श्वास छोड़ते हुए संस्कृति में आना। इस आसन को हम 5 बार करेंगे। ऊपर का हिस्सा चक्रासन स्थिति में रहेगा और फिर कल की स्थिति में, तो ये आसन उपयोग 5 बार करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की तरफ 4-5 सेकेंड सम की स्थिति में। दूसरा आसन अर्धचक्र, सब अपने अपने फेस में स्माइल रखे। दोनों पैर पीछे फेंक कर जमीन घुटनों को कसना, पैरों के तलवे आकाश की ओर ले फोन, मोबाइल फोन, चलचित्र प्रभावित कर रही है युवाओं को, तो क्या आपको लगता है कि योग में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ, चुनौतियों का सामना तो कर पड़ रहा है, क्योंकि हम भी एक एज में ही आते हैं, चाहे कितने भी हो जाए हमारे। लेकिन मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, यंग बच्चों को, आज के जनरेशन को, कि आप लोग योगासन करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि फिट हो रहो, हिट रहो। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी हुआ। कितने वर्षों से योग शिक्षक के रूप में है? शिक्षक के रूप में 7 ईयर्स से हूँ और मैं ऐसे डांस टीचर भी हूँ, योगा गुरु भी हूँ और फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।